प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। हालेलुया, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार मुझे ये अवसर दिया है। मैं प्रथम बार ग्लैड टाइडिंग मिनिस्ट्री के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये अवसर हमें दिया है कि हम उनके पेज पर आकर के परमेश्वर की महिमा कर सकें, हम परमेश्वर की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में दिया है, और इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपनी प्यारी बहन सिस्टर स्मिता बर्वे के लिए कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं इस पेज पर परमेश्वर का क्या कर सकूं, प्रचार कर सकूं। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में जाएं, खुदा की बातों को सीखें, खुदा के उन गहरे वचन को जान सकें, और जो इसका टाइटल दिया गया है जो कि प्रे फॉर इंडिया, हमें प्रार्थना करनी है इंडिया के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदा आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपने हमें संभाला है, अपनी आशीष दी, अपनी बरकत दी है और अपने अनुग्रह में रखा है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में है। खुदावन, इस 7 से 7:30 बजे का जो समय प्रभु आपकी ओर से निश्चित किया गया कि प्रभु मैं आपका बेटा अनुपम डेविड, जिसे आपने अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु विशेषकर अपने नौजवान बच्चों के लिए, नौजवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस देश भारत देश के लिए कि भारत देश पर आपकी आशीष और बरकत और आपका अनुग्रह, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में। हालेलुया, क्या ये आप विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके। हालेलुया। और विशेष धन्यवाद देता हूं मैं एक बार फिर से अपनी प्यारी छोटी बहन के लिए, सिस्टर स्मिता बर्वे के लिए, और इस पेज के लिए जो इस पेज के संस्थापक हैं कि उन्होंने ये मुझे अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के महिमा कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और निकालेंगे आज पढ़ने के लिए योएल, इंग्लिश में जिसे जोएल कहते हैं और हिंदी में कहते हैं योएल, 2 अध्याय और उसका 28 पद, जो इस फ्लायर का जो कि शीर्षक दिया गया है प्रे फॉर इंडिया। और इंडिया में भी, इंडिया के साथ साथ हम भारत देश के साथ साथ हम अपने उन नौजवान बच्चों के लिए, जो नौजवान बच्चे हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको समझा रहा है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हम सब पर उंडेला जाएगा, उसके जो बेटे बेटियां हैं, उसके जो प्रिय लोग हैं उनके ऊपर उंडेला जाएगा। आइए खुदा का कलाम में से वचन को निकालते हैं। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 28 पद कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल लूंगा। हालेलुया, जो बातें हो रही है मेरे प्रियो, उन बातों के बाद परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब प्राणियों पर आत्मा उंडेल लूंगा। ये नहीं कह रहा लड़के पे उंडेल लूंगा, लड़कियों पे उंडेल लूंगा, बुजुर्गों पे उंडेल लूंगा, इन पे उंडेल लूंगा, उन पे, सब पर उंडेल लूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन में बड़ी गहरी बातें मेरे प्रियो बताता है, बड़ी गहरी बातों को मुझे और आपको समझाता है, लेकिन हम इसलिए नहीं समझ पाते मेरे प्रियो कि जब तक परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते नहीं, उसकी गहराई पर नहीं चलते, उसके वचन पर ध्यान नहीं देते, और इसलिए हम उसकी बातों को समझ नहीं पाते।
क्योंकि जब जब आप प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे, जब जब आप वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तब तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की स्मिता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन। ये अवसर परमेश्वर के द्वारा आपके माध्यम बना के जो मुझे दिया गया है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका बहन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेल लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे बेटे और आपके और मेरे बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं, अभी हम चल के आगे सीखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा उनका जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, प्रभु के दर्शन को लेके क्या नौजवान चल रहे हैं, क्या नौजवानों की जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह उनका उनका मार्गदर्शक है, उनका हीरो कौन है, उनका हीरो कहीं फिल्म स्टार तो नहीं, कहीं उनका कोई और हीरो तो नहीं, कोई उनका ऐसा व्यक्ति जो दुनियावी व्यक्ति हो, उस उनका अगर हीरो है तो मेरे लियो, मेरे प्रियो, मेरे अजीजो समझ लो कि वो राह से भटक रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है जवानों पर आत्मा उड़े लूंगा और जवान दर्शन देखेंगे। जवान कौन से दर्शन देख रहे हैं मेरे प्रियो? जवान अपनी जवानी के दर्शन देख रहे हैं, जवान अपने गंदे सपने देख रहे हैं, जवान अपनी जिंदगी में कौन से भविष्य में आगे बढ़ने के लिए दर्शन दे रहे हैं? क्या जवान प्रभु यीशु मसीह को अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं या नहीं मान रहे? प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह उनका उनका हीरो है, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं अरे मैं मेरा बेटा बहुत सुंदर आवाज में गाता है, बिल्कुल ऐसे जो वो सिंगर है ना, किसी भी सिंगर का नाम लेकर के कह देते हैं, उस सिंगर की तरह गाता है। क्या कहा कभी इस बात को कि परमेश्वर की महिमा करता है मेरा बेटा, परमेश्वर की महिमा करती है मेरी बेटी? हम जब मेहमान आते हैं तो बच्चों से कहते हैं जरा वो फिल्मी गाना सुनाना, वो वाला गाना सुनाना। क्या कभी आपने अपने बेटे और बेटियों से कहा कि प्रभु की महिमा का स्तुति गान करो? हालेलुया, नहीं करते, क्योंकि मेरा और आपका दिलो दिमाग गंदी दुनिया में, गंदी बातों में, गंदी चीजों में लगा है, इसलिए नहीं करते। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, मैं अपनी एक छोटी सी गवाही दे दूं। मेरा बेटा जबकि बहुत छोटा था, 1.5 साल का बच्चा था, और 1.5 साल का बच्चा जितना भी जानता था, मेरे फादर उसके साथ वो ज्यादा रहता था, और मेरे फादर ने उससे बाइबल की बहुत सी बातों को सिखाया रटाया था, और इतना भरपूरी के साथ वो वचन को बोलता था, बताता था, किताबें उसको याद थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने जवानों को, अपने बच्चों को मैं और आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? अगर आप और मैं परमेश्वर की शिक्षा दे रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप अपने बेटे और बेटियों पर ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, अपने जवानों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पौधा परमेश्वर ने आपको लगाने के लिए दिया है मेरे प्रियो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। जो पौधा परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे 2 पौधे लगाने को दिए हैं, चाहे 3 पौधे लगाने को दिए, जो पौधे परमेश्वर ने आपको दिए, उनको परमेश्वर के वचन की खाद से सींचो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की खाद से सींचो, ताकि उनका उनके जीवन का संचालन और उनके जीवन का जो वो अनुकरण करें, तो उनका अनुकरण किसके वचन के अनुसार करें। प्रेज द लॉर्ड। वचन के था, हमें अपने बच्चों को वचन कहता है कि जो पिता अपने बच्चों को ताड़ना देता, अपने जवान को लकड़ी से हांकता है, हांकने के साथ मतलब लकड़ी से ताड़ना देता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ताड़ना देते हैं अपने बच्चे को तो कोई दिक्कत, क्योंकि आप अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे अजीजों, मेरे जवान, मेरे भाई बहनों, मेरे अजीज बच्चों, प्रियो, मेरे नौजवान बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की एक योजना आपके लिए, मत भटकिए, मत रास्ते से पटरी को छोड़ दीजिए,
देखा है ना, ट्रेन चली जाती है, जब तक उसका गंतव्य स्थान उसको मिलता चला जाता है, वो चला जाता है मेरे प्रियो, ट्रेन चली जाती है, चलती जाती है। और मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आपका जीवन परमेश्वर की संगति में चले, किसी और की जिंदगी में नहीं, किसी और की मर्जी के अनुसार नहीं। आज लोग नशा कर रहे हैं, आज लोग फिल्मों में लगे हैं, आज लोग ओटीटी में लगे हैं, आज लोग बिग बॉक्स देख रहे हैं, आज लोग क्यों, कि जैसी चीजें तुम देखोगे, जैसे आत्मा को तुम अपने घर में चलाओगे, उस टीवी के द्वारा दुष्ट आत्माएं आप में प्रवेश करती हैं मेरे प्रियो, जान लीजिए। क्योंकि जैसे बिग बॉस है मेरे प्रियो, वो बिग बॉस में दुष्ट आत्मा, लड़ाई की आत्मा है मेरे प्रियो, वहां गंदी बातें, गंदी चीजें और लड़ाई और झगड़ा दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि दुष्ट आत्मा वहां पर जब आती है काम, लड़ाई की आत्मा वहां काम कर रही है मेरे प्रियो, इसलिए आपके घर में दुष्ट आत्मा है, लड़ाई की आत्मा। अगर परिवार में माता पिता नशे का उपयोग करते हैं, सिगरेट बीड़ी अगर कोई पीता है, सिगरेट पीता है मेरे प्रियो पिता, तो बच्चों के लिए मुझे और आपको क्या बनना, नमूना बनना, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है जो योएल नबी, जो शीर्षक दिया गया है, सिस्टर ने बड़ा अच्छा पोस्टर बनाया और उन्होंने जोएल 2:28 दिया है, और यही आयत अगर आपको देखनी है, नए नियम, ये पुराने नियम में दिया गया है, और यही आयत जब आप नए नियम में देखोगे तो एक्ट करता, एक्ट यानी के प्रेरितों के काम, और उसका 2:16-21 पद में दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये बात, आप लोग कहते हैं कि बातों को परमेश्वर कैसे पूरी करता है, पुराने नियम की अलग बातें, नए नियम की अलग बात, नहीं, सब बातें एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कभी मत सोचिए मेरे प्रियो। खुदा ने योएल नबी में ये कहा और एक्ट में भी इस बात को कहा है, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। क्या मैं और आप आज बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या मेरे आपके बेटे बेटियां कर रहे हैं मेरे प्रियो? हमें अपने आप को जांचना है, पहले मुझे और आपको एक अच्छा नमूना बनना है मेरे प्रियो। यज़केल नबी की पुस्तक, यज़केल की पुस्तक और उसका 39वां अध्याय और उसका 29 पद कहता हूं, और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना फेर लूंगा, क्योंकि मैंने इज़राइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला, हालेलुया। वो कह रहा है आत्मा उंडेला किस पे? इज़राइल के घराने पे, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपना आत्मा उंडेला और वो कह रहा मैं कभी उनसे मुंह ना फेरूंगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे कभी क्या नहीं होता, मुंह नहीं फेरता है मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप अपने कामों के द्वारा, अपनी भ्रष्टता के द्वारा, अपने नशे के द्वारा, अपनी गलत बातों के द्वारा, अपने घूसखोरी के द्वारा, अपने बुरे कामों के द्वारा हम परमेश्वर को मुंह मोड़ने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते। वो नहीं करता मुंह मोड़ता, लेकिन पहला कुरिन्थियों 3:16-17 पद कहता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर उसमें वास करता है। लेकिन मेरे और आपके जीवन से क्यों गलत काम होने लगते हैं? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर का जो स्थान है उस स्थान से परमेश्वर को अपने जीवन से हटा देते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और जब हटा देते हैं तो क्या होता है, सारी नेगेटिव चीजें, सारी बुरी बातें, सब कुछ हमारे साथ घटने लगता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो। और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 32:15 पद कहता है जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उडेला ना जाए, हालेलुया। लोग कह रहे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, वचन कह रहा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 32:15 पद कह रहा है जब तक आत्मा तुम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने। यानी मेरा और आपका जीवन कैसा हो, फल दिखाई दे, किसके? आत्मा के फल दिखाई दे, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के क्या फल है? प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के फल हमारे जीवन से दिखाई देने लगे, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन आत्मा के फल की क्या बन जाए, बगीचा बारी बन जाए, प्रेज द लॉर्ड।
क्या आपने इस बातों का ध्यान दिया है? क्या हमने इस बातों का ध्यान दिया है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, परमेश्वर कह रहा है मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलता हूं, उंडेल दूंगा। हालेलुया, वो उंडेलता है। तुम्हारे बेटे बेटी दर्शन देखेंगे, मेरे बेटे और बेटी, हमारे बेटे और बेटी कौन सा दर्शन देख रहे हैं? कौन सा दर्शन देख रहे हैं? वो दर्शन देख रहे हैं मैं हीरो बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा। वो दर्शन देख रहे हैं मैं बॉम्बे जाकर म्यूजिशियन बनूंगा। क्या परमेश्वर की महिमा आपने पवित्र हैकल में की? क्या आपने सुंदर गीतों को जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रभु के सेवक और सेवकों के द्वारा लिखे गए, क्या आपने गाए? आप अपने बच्चे को बहुत बड़ा म्यूजिशियन सेंटर में भेज रहे हैं, नोएडा में भेज रहे हैं, अलग अलग सेंटर, बॉम्बे सेंटर में भेज रहे हैं, उसके अंडर में काम करके ये सीखेगा। परमेश्वर के अंडर में काम कराओ मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा में लगाओ, खुदा अपने आप ऊपर उठा देगा। प्रेज द लॉर्ड। किसी को किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परमेश्वर के अनुग्रह में काम करिए, परमेश्वर के आत्मा जो उसने दिया उसके अनुसार चलिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। आज मेरे प्रियो, मैं देख रहा हूं कि बहुत से माता पिता अपने बच्चों को म्यूजिक के लिए, बहुत अच्छा गिटार बजाता है, बहुत अच्छा कीबोर्ड बजाता है, बहुत अच्छा तबला बजाता है, वो हाथों से बड़ी सुंदरता से बजाता है वो, या बजाती है, और कहां भेज रहे हैं? दुष्ट की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आप खुद नहीं। माता पिता इसके खुद जिम्मेदार है मेरे पे। वचन तो कह रहा है मैं तुम्हारे पर आत्मा डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। वो कौन सी भविष्यवाणी कर रहे हैं? वो किसी अन्य जाति से प्रेम कर रहे हैं, किसी अन्य विश्वास के व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं। ऐसा जीवन बना दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके जिम्मेदार हम लोग हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मैं उनसे मुंह ना फेर लूंगा क्योंकि मैंने इसराइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर, वो कहता है परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा परमेश्वर की। मेरी और आपकी वाणी नहीं है, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। किसी प्रचारक ने आपका नाम ले दिया, आप बड़े उफरने लगे, बड़े उछलने लगे, अरे उस प्रचारक ने मेरे बारे में ये भविष्यवाणी कर दी है। लेकिन क्या खुदा के कलाम के वचन की भविष्यवाणी को आपने सुना? एक मनुष्य की भविष्यवाणी पर, एक प्रचारक की भविष्यवाणी पर आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम में जो कुछ दिया गया उस पर आप विश्वास नहीं कर रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, खुदा आपके हृदय में चल रहा है, उसको जानता है, जानता है मेरे प्रियो, जानता है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसका 2 पद और 4 पद में क्या लिखा हुआ है? और एकाएक, हालेलुया, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट हुई, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में? क्या है मेरी जिंदगी में? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम शांति की खोज में निकले हैं, हम शांति की बातों। वो कहता है शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर आपके जीवन में है तो मेरे प्रियो, शांति का राजकुमार आपके जीवन में है तो शांति आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में होगी। और अगर आपके घर में अशांति है, कोई कारण है, कोई ऐसी बात है, कोई रुकावट है जो परमेश्वर के कामों में आपको रोकता है मेरे प्रियो, तो जान लीजिए, अपने जीवन पर क्वेश्चन मार्क लगाकर देखिए, अरे प्रभु मैं कहां गलत हूं, कहां मुझ में कमी है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से देखिए मेरे प्रियो, खुदा मुझे और आपको समझाता है, बताता अपने वचन के द्वारा। बहुत से सेवक और सेविका बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन क्या सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आप सेवा कर रहे हैं? हालेलुया। तुम्हारे पुराने सपन देखेंगे, हालेलुया। तुम्हारे जो प्रभु का कलाम सुनाने वाले, वो दर्शन देखेंगे, वो सपन देखेंगे और सपन के बातों को बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
आज मुझे और आपको कौन से सपने आ रहे हैं? एक बड़ा मकान बन रहा है मेरा, ये सपना आ रहा है, और लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं बता के। आपको बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, ये सपना है उनका। क्या आपने सपने को पूरा किया? खुदा, मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं तेरी महिमा करता हूं, तेरे वचन को पूरी रीति से मैं बताने पाऊं लोगों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं ऐसा मेरा और आपका जीवन है मेरे प्रियो? क्यों नहीं है मेरा और आपका जीवन ऐसा? क्या हम खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को हम लोगों के साथ शेयर करें? कितने घंटे बाइबल पढ़ते हैं? कितने घंटे खुदा के लोगों के साथ वचन को हम करते हैं, प्रचार करते हैं या सेवा करते हैं? क्या 2 घंटा 40 मिनट आपने सेवा करी? क्या आपने प्रभु को समय का दशमांश दिया है? हालेलुया। क्या जो वायदे आप कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो वायदे परमेश्वर से जब आप वायदा कर रहे हैं, तो क्या उन वायदों को आप पूरा कर रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, अगर वायदा प्रभु से वाचा बांधी है, तो मेरे प्रियो संपूर्ण रीति के साथ वाचा को पूरा करना, कभी पीछे ना, क्योंकि जो वायदा आप परमेश्वर से कर रहे हैं वो किसी मनुष्य से नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 2:39 कहता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। खुदा तो हाथों को फैलाए, यीशु मसीह परमेश्वर पिता हाथों को फैलाए हुए, बाहों को खोले खड़ा है। आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, और वो गले लगाने को तैयार है। लेकिन मैं और आप रविवार के दिन, प्रभुवार के दिन मीट थैला लेकर के बाजार चले जा रहे हैं, उससे पीट करके प्रभु को पीट दिखाकर चले गए, फिर सोचते हैं कि मेरे बच्चे क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे बेटे बेटियों में क्यों रुकावट है, क्यों मेरे बच्चों की शादी नहीं होती, क्यों मेरे बच्चों के जीवन में कुछ आगे नहीं हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में कमजोरी है, क्यों मेरे जीवन में बीमारियां हैं, क्यों मेरे घर में अशांति है? मेरे प्रियो, जांचो अपने आप को, जांचो अपने आप को कि क्यों मुझ में और आप में कमी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करिए और ये बात कहिए आप अपने आप से, प्रभु आज का वचन मेरे लिए। हालेलुया, मेरे लिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के कलाम को जो सुना रहा है उसके लिए पहले वचन है, उसके बाद सुनने वालों के लिए, सुनने वाले बाद में के लिए प्रेरित करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो वचन सुनाना है, ये वचन मेरे लिए और आपके लिए बराबर है। मेरे प्रियो, हमारे हृदय को ये छेदने वाला होना चाहिए। क्यों मेरे और आपके जीवन में रुकावट है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा है प्रेज द लॉर्ड, वो कह रहा है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 44वां अध्याय और उसके 3 को, यशायाह 44 उसकी 3:3, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन में रुकावट है, आपके जीवन में कमजोरी है, आपके बच्चे परेशान हैं, आपका जीवन उनके प्रति परेशान है, उनकी नौकरी नहीं है, उनके जीवन में और लगाव है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में बीमारी है, आपके जीवन में कमजोरी है, आपके जीवन में ऐसी कठिनाई है। मेरे प्रियो, जान लो, परमेश्वर कह रहा है मैं प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा, सूखी भूमि पर धाराएं बहा दूंगा। आप ये मत निराश हुई कि आज मेरे जीवन में कमी है, आज मेरे जीवन में ये परेशानी है, आज मेरे भी जीवन में ये है कि मैं मेरा परिवार टूट रहा है, आज मुझे परेशानी, मेरी नौकरी नहीं है, आज ये सोचते हैं कि मेरे बच्चों के पास जीवन नहीं मिल पा रहा, उन्हें सही नौकरी नहीं मिल पा रही, आज बच्चों के पास जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, आज मेरे लोग, मेरे बच्चे प्रभु से दूर है। क्यों दूर है मेरे प्रियो? वो कह रहा है मैं सूखी भूमि पर जल बहा दूंगा,
सबको धन्यवाद हुआ। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीषें उड़े लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो वादा करा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़े लूंगा। क्यों नहीं संतानों पर आशीष आ रही? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर प्रभु का आत्मा काम नहीं कर रहा है, वहां पर प्रभु की संगति आप माता पिता नहीं कर रहे, माता पिता खुद परमेश्वर से दूर हैं। बहुत से जगहों पर मेरे प्रियो, मेरे अजीजो, प्रार्थनाएं नहीं हो रही, पारिवारिक प्रार्थनाएं नहीं है, बच्चे माता पिता चर्च नहीं जा रहे। क्यों? इसलिए वो कह रहा है तेरे वंश पर तो मैं अपनी आत्मा उड़े लूंगा, तेरी संतानों को आशीष भी दूंगा, लेकिन तुझे भी तो कुछ करना है। तू कुछ नहीं करना चाहता, सब मैं देता हूं, 10 का नोट निकाल के दे दिया, प्रभु की भेंट को अर्पित कर दिया। उससे 100% चाहते हो मेरे प्रियो, उससे अगर 100% चाहते हो, उत्तम नहीं सर्वोत्तम चाहते हो मेरे प्रियो, तो अपना सर्वोत्तम चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाबिल ने सर्वोत्तम चढ़ाया, सर्वोत्तम भेंट अर्पित करी, तो देखिए खुदा ने उसको संभाल लिया। और कैन ने क्या करा? अपनी बची में फसल में से और ऐसी चीज चढ़ाई जो कि अच्छी नहीं थी। तो अपने जीवन का आप उत्तम समय परमेश्वर को क्यों नहीं दे रहे? क्यों जवानी में सोचते हैं अभी तो मुझे सेवा नहीं करनी है, अभी मुझे नौकरी करनी है, अच्छा पैसा कमाना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं सेवा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो जान रखो, खुदा को कबाल नहीं चाहिए, खुदा को उत्तम नहीं सर्वोत्तम चीज चाहिए। जब आप अपना सर्वोत्तम दे दोगे, अपनी जवानी दे दोगे, तो खुदा तुम्हें उठा देगा मेरे प्रियो, ऐसी ऊंचाइयों पर रख देगा, अपनी आत्मा उड़े लेगा, समझ देगा और अपनी ज्ञान देगा, और आपको और आपकी औलाद को और आपके जीवन को सही राह पर चलाएगा। हालेलुया। क्यों प्रभु के वचन तक हम में और आप नहीं पहुंच पा रहे? क्यों नहीं? जो प्रभु ने अपने वचन में आज्ञाएं दी हैं, जो प्रभु ने वचन में हमें शिक्षा दी है, क्या मैं और आप उस शिक्षा पर चल रहे? नहीं चल रहे मेरे प्रियो, क्योंकि माता पिता नहीं चल रहे, इसलिए खानदान बर्बाद हो रहे हैं। जब तक आप और मैं, जब तक मैं और आप पूरी रीति से खुदा को, अपने आप को खुदा के सम्मुख अर्पित नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तब तक मेरे और आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं ना? और यूसुफ जो था, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और द्वेष करने लगे। खुदा की आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके लिए एक योजना है, आपके परिवार के लिए एक योजना है। अकाल पड़ने से पहले उसने उस परिवार का इंतजाम करने के लिए यूसुफ को उनसे अलग कर दिया, यूसुफ को वहां पहुंचा दिया जहां उसके भाई द्वेष करते थे, उससे नफरत करते थे। बहुत से लोग आपसे नफरत करेंगे, बहुत से लोग आपसे चिढ़ेंगे, आपके प्रिय लोग भी चिढ़ेंगे, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब खुदा आपके साथ है तो वो आपको ऊंचाइयों पे ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पत्र एक्स और उसका 10:44-47 कहता है, पत्रस ही बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों बाद उतर गया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं आज हम पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर पा रहे? हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 11:15 कहता है, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उनको उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम उन 10 कुआनियां थी जिसमें से 5 समझदार थी,
और उनके जीवन में परमेश्वर के वचन रूपी तेल भरा हुआ था। क्यों नहीं आज हम वचन में भरे हुए हैं मेरे प्रियो? क्यों हम दूसरे लोगों की तरह मुदित? हमारा सबका रास्ता एक है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे प्रियो, हमारा रास्ता एक नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, हमारा खुदा जीवित खुदा है मेरे प्रियो, और वो ना ऊंघता है ना वो सोता है। भजन संहिता 121 कहता है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि मेरा समय हो चुका है और दूसरे किसी भाई या बहन को आना। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए। हाँ खुदावन, तूने हमें ये दर्शन दिया है, हमारी बहन को ये दर्शन दिया पिता परमेश्वर, इस भारत देश के लिए प्रभु जी, इस भारत देश पर आपकी कृपा दृष्टि रहे, आपकी आशीष रहे, आपकी बरकत रहे। यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ के प्रधानमंत्री को, अन्य सेवक सेविकाओं को, जो लोग इस देश का संचालन करते हैं, खुदावन यीशु मसीह आपके हाथों में हम उनको सौंप देते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए, ताकि ये भारत देश आपकी आज्ञा के अनुसार चल सके। पिता प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो नौजवान बेटे बेटियां इस भारत देश के खुदावन, और पूरे संसार के भी प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंप दे। जहां पर प्रभु ये तेरा वचन सुना जाता है, जहां जहां तेरा वचन बोला जाता है मेरे प्रियो, जो लोग इसको सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में तेरा वचन काम करे। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सबको मैं ब्लेस करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।